हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आरसीआई एजुकेशन अप ऑनलाइन क्लास। वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड आल्सो डिस्कस अबाउट द मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। नाउ वी डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। देखिए स्टूडेंट्स, मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को अपन यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएशन में आपका डेफिनेशन के बेसिस पे, कुछ सब्सटेंस के बेसिस पे और मेनली जो डिफरेंस है यहाँ पर टेम्परेचर के बेसिस पे डिस्कस होगा। तो देखिए, मेटेलिक के रिगार्डिंग फर्स्ट डिफरेंस आपका आता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। दैट इज क्लियर। फ्लो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करंट किसकी वजह से फ्लो रहा है? इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, सो दीज आर कॉल्ड क्या कहेंगे बेटा? आयोनिक कंडक्टर। क्लियर। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, सो दीज आर कॉल्ड आयोनिक कंडक्टर। डिफरेंस क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, न्यू सब्सटेंस नॉट फॉर्म, राइट? और यहां पे होगा न्यू सब्सटेंस आल्सो फॉर्म, आल्सो फॉर्म्ड। क्लियर। न्यू सब्सटेंस नॉट फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस आल्सो फॉर्म्ड। सब्सटेंस का फ्लो नहीं होता है। सब्सटेंस फ्लो फ्रॉम इलेक्ट्रोड टू अनोदर इलेक्ट्रोड। दैट इज क्लियर। न्यू सब्सटेंस नॉट फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस आल्सो फॉर्म्ड। नॉट फ्लो ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का फ्लो नहीं होता है, ओनली इलेक्ट्रॉन फ्लो। सब्सटेंस फ्लो फ्रॉम इलेक्ट्रोड टू अनोदर इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड मीन्स दिस इज द पार्ट ऑफ मेटल इन विच केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। इसकी सरफेस पे क्या होती है? केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है, उस पार्ट को अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। क्लियर। देन लास्ट डिफरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिगार्डिंग टू टेम्परेचर। देखिए बेटा, बात करते अपन टेम्परेचर से रिगार्डिंग। देखिए, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर
conductance decrease due to increasing atomic vibration, then resistance increase. Clear? On increasing temperature, conductance decrease. क्यों होता है? Due to increase atomic vibration, then resistance increase. Atomic vibration increase होने से resistance increase होगा, और जब resistance increase होता है तो conductance क्या होती है? आपकी decrease जाती है. ये आपका रीजन क्लियर हो गया. अगर क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है, तो आप इसका आंसर दे सकते हो. क्लियर? इस केस में क्या होगा? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टेंस इंक्रीज ड्यू टू increasing in dissociation of ions, that means degree of dissociation, degree of dissociation increase. Clear? On increasing temperature, conductance increase due to increasing in dissociation of ion. Ion का dissociation क्या होगा? Increase होगा. जितने ज्यादा ion होंगे उतना ही क्या होगा? आपका flow होगा. Degree of dissociation increase. Clear? That is the very very important आपका difference है कि इसमें तो होती है increase और इसमें होती है आपकी डिक्रीज. ऐसा क्यों होता है? यहां तो रीजन है आपका डिसोसिएशन ऑफ आयन इंक्रीज होता है, यहां इंक्रीज एटॉमिक वाइब्रेशन, देन रेसिस्टेंस इंक्रीज. क्लियर बेटा? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड आयोनिक कंडक्टर या मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर. आज की क्लास का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. देखिए बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. क्लियर? क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. सबसे पहले बात करेंगे अपन, व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट. व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट्स? दोज सब्सटेंस, दोज सब्सटेंस विच आर dissociate into their ions in aqueous solution. Clear beta? Those substance which are dissociate into their ions in aqueous solution are called electrolytes. वो एसिड हो सकता है, वो बेस हो सकता है, वो सॉल्ट हो सकता है. राइट? Those substance which are dissociate into their ions in aqueous solution are called electrolytes. But all electrolytes are not completely ionized. All electrolytes are not completely ionized. So, on this basis, these are categorized into categories, two types, strong electrolyte and weak electrolyte.
First is strong electrolyte. Right. Second is weak electrolyte. Clear? Strong electrolyte. Second is weak electrolyte. Strong electrolyte. Second is weak electrolyte. देखिए completely dissociate into ions. Completely dissociate into ions. Completely dissociate into ions. Less dissociate into ions. Less dissociate into ions. Clear? Those electrolytes which are completely dissociate into ions in aqueous solution are called strong electrolytes. And those substances which are less dissociate into ions in aqueous solution are called weak electrolyte. Clear? For example, strong acid, strong base, right? इसका example हो गया HCl, इसका example हो गया आपका NaOH. Clear? इधर example है आपका weak acid, weak base. Weak acid कौन सा हो गया? CH3COOH. यहां पे किसकी बात करेंगे अपन? weak base, वो कौन सा हो गया आपका? ALOH का whole thrice. That is clear. Salt की बात करें